को बहुत बहुत मुबारक हो, आपका चैनल जो रिकवर हो चुका है। खैर मुबारक आपको भी और हमारे देखने वाले सबको मुबारक हो कि हमारा चैनल रिकवर हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से और हम भी ठीक हैं। तो आज जो है सुबह सुबह जो है मैंने घर के काम कंप्लीट कर लिए, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और आज बहुत बड़ी खुशखबरी है वो ये कि जो अंकल का चैनल रिकवर हो चुका है और आज जो है अंकल के मैं घर जा रही हूँ उनको मुबारकबाद देने के लिए। और अभी जो है लोग वीडियो जो है वहीं पे जाके बनाऊंगी, अभी चलते हैं बाकी जो है वहीं पे आपसे जाके अंकल से जो है बात वहीं पे होगी। अब आया मैंने पेन लिए है, बस निकलती हूँ अंकल के घर और टाइम काफ़ी हो जाएगा फिर। आज मौसम तो बहुत अच्छा बना हुआ है तो टाइम यही कि फिर वापसी आऊँगी और फिर घर का जो है मुझे काम करना है, घर का आपको पता है बच्चे और बच्चों को भी स्कूल से भी वापसी में लेके आऊँगी। और चलें जी अभी चलते हैं अंकल के घर ही जाके बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, चलें ये अभी अंकल से पूछते हैं उनके चैनल का। और अभी नेहा भी बैठी है सामने और अंकल भी। और अंकल आपके जो चैनल का जो मसला बना था तो आप लोगों का जो है चैनल तो रिकवर हो चुका है तो अब जो चैनल तो रिकवर हो गया है हमारा, लेकिन मसला ये है कि चैनल जो है ना अभी हमारे हाथ में नहीं है, चैनल है फिरोज के पास क्योंकि वो पंजाब में है और मैं कराची में हूँ। अब मोबाइल का मसला हो रहा था काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी टाइम हो गया और अभी हमने मोबाइल लिया नहीं है क्योंकि जब जाएंगे यहाँ से तो जाते हुए फिर मोबाइल लेना है, या हो सकता है कि पंजाब से फिरोज़ ही मोबाइल ले क्योंकि वो सारी सेटिंग जो है ना फिरोज ही करेगा मोबाइल के अंदर जो भी सेटिंग है, क्योंकि जीमेल भी उसके अंदर अब नहीं है और जाहिर न्यू मोबाइल होगा तो चैनल भी उसके अंदर डालेगा, चैनल की सेटिंग करेगा और हो सकता है अब ये ईद से पहले या ईद के बाद ही बनेगा हमारा, तो ईद के बाद ही हमारा जाना होगा। देख कभी आप गांव जाएंगे तो फिर आपका चैनल जो है आपके पास आएगा ईद के बाद ही, मतलब के वीडियोस आप बनाएंगे? हाँ, क्योंकि ईद के बाद ही प्रोग्राम बन रहा है क्योंकि रमज़ान भी है, रमज़ान में फिर बच्चों को भी छोड़ के जाना फिर मसला हो जाता है, काफ़ी लंबा मसला हो जाएगा। ईद के बाद ये है कि रमज़ान से भी हम हो जाएंगे और ईद के बाद या तो मैं अकेला जाऊँगा, हो सकता है पूरी फैमिली के साथ चले। ये टेंशन लगी हुई थी व्यूवर्स को भी कि आप लोगों की वीडियो नहीं आ रही और चैनल का मसला था, काफ़ियों ने मुझे भी मतलब मैसेज किए हैं कि आप लोगों के घर के करीब हैं तो उनके मोबाइल का जो मसला बना है, तो मैंने कहा मैं टाइम निकाल के ज़रूर जाऊंगी, अभी तक उनको जवाब मैंने नहीं दिया तो मैंने कहा उधर जाके जो वीडियो बनाऊँगी फिर आप लोगों के खुद ही। ये तो खैर आपका और आपके व्यूवर्स का, हमारे व्यूवर्सों का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने दुआएं दी हैं हमें कि हमारा चैनल भी मिल जाए, हमें मोबाइल भी मिल जाए, अल्लाह का शुक्र है कि चैनल तो हमें मिल गया है और इंशाल्लाह मोबाइल भी हम ले लेंगे जल्दी, लेकिन बस अब ये वीडियोज़ हमारी ईद के बाद ही स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। ये भी चलो बहुत बड़ी बात है कि आपका चैनल आपको वापस मिल चुका है। हाँ, और अच्छा अंकल आपका चैनल जो है रिकवर तो हो चुका है और आप लोग तो अब तो वीडियो जो है ईद के बाद ही अपलोड करेंगे बनाना जी, तो और सुनाएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह रोज़े शुरू से ही बहुत अच्छे जा रहे थे, तो शुरू की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने 4 से 5 वीडियोस बनाई थी रोज़ों की, तो जब चैनल गया था वो वीडियोस हमारी कट गई, उसका भी बहुत अफसोस है कि हमारी इस साल की जो वीडियोस थी रमज़ान की वो उस चैनल में से कट गई है। अब देखना ये है कि इससे पहले हमारा चैनल बन जाता है यानी कि मेरे पास आ जाता है या ईद के बाद, वो तो तो आप लोगों की वीडियो भी कम से कम 5-6 गई हैं। हाँ, 5-6 जो रमज़ान की थी ना स्टार्टिंग की सारी वीडियो चलेगी, डिलीट हो गए। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि चैनल कवर। अब आप लोगों की इस टाइम वीडियोस हैं 101 खड़ी। हाँ, तकरीबन ऐसे ही एक पे खड़ी। हाँ, तो रोज़े माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं लेकिन बस लोगों को नहीं नज़र आ रहा ना दिखा पा रहे हैं क्योंकि चैनल है। चलो नहीं सुन लेंगे व्यूअर्स। हाँ, अफसोस तो हो रहा है कि देखें हमारे रोज़े हम रख रहे हैं और रोज़े लोगों को दिखा भी नहीं पा रहे हैं, तो सारे लम्हे हमारे को नज़र आता है सारा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बना रहे थे एक एक चीज़ की बना रहे थे और अब नहीं बना पा रहे। इंशाल्लाह ईद के बाद हम वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे और आप सबको देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका चैनल जो रिकवर हो चुका है। खैर मुबारक आपको भी और हमारे देखने वाले सबको मुबारक हो कि हमारा चैनल रिकवर हो गया। रिकवर तो हमारा काफ़ी पहले ही हो गया था,
क्योंकि जिस दिन मोबाइल गया था उसके 2 घंटे बाद ही हमारा चैनल रिकवर हो गया था, लेकिन मोबाइल ना होने की वजह से हम ये वीडियो नहीं बना पाए। जब मेरी आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी उस टाइम तो नहीं हुआ था ना, आपने कहा था रिकवर हो जाएगा। हाँ, उस टाइम पे रिकवर नहीं हुआ था क्योंकि टाइम तो लगा था ना, क्योंकि लहर मेरे को सारी सेटिंग आती नहीं है, वो पंजाब में फिरोज को आती है सारी सेटिंग, अब काले उसको बताना करना, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया था। लेकिन अभी ना चैनल मोबाइल ना होने की वजह से चैनल वीडियो नहीं बना पा रहे, इंशाल्लाह वो भी आप लोग ईद के बाद अपलोड करेंगे ना। हाँ। स्टार्ट करेंगे और फिर जो अंकल की वीडियो जो है फिर आना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, रमज़ान अगर नहीं होता तो चलो बीच में चले जाता मैं, लेकिन अब रमज़ान है तो बच्चों के रोज़े भी रखने होते हैं, अपना भी होता है, यही वजह है कि अभी। और नेहा के रोज़े तो माशाल्लाह अच्छे जा रहे होंगे। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही जा रहे हैं। सही, चलिए। मौसम अंकल आज बहुत अच्छा हो रहा था और मैंने कहा अंकल की तरफ से जो है मैं हो ही। हाँ, 4-5 दिन से वैसे धूप अच्छी आई थी, आज जो गर्मी जो बहुत अच्छा गर्मी तो हो रही है पर मौसम आज बहुत अच्छा है। आज बादल है, काफी टाइम हो गया और अभी जो है हम चलते हैं और टाइम हो रहा है, अभी नमाज का टाइम भी होने वाला है और अंकल भी जाएंगे अभी नमाज पढ़ेंगे। मुझे भी काफी टाइम हो गया हम लोगों को गपशप करते हुए, तो आप लोग भी पूछ रहे थे और मैं जो है फिर आज मैंने टाइम निकाल लिया, तो मैंने कहा चलो आज जो है अंकल के घर जाके खुद ही वीडियो बना के तो आप लोगों को व्यूवर्स को सब जो है अब देख लें, जो आप लोग भी परेशान हो गए थे अंकल के चैनल की वजह से, तो अब जो है फाइनली टेंशन जो है ख़त्म हो चुकी है, अंकल का चैनल कवर हो चुका है और इंशाल्लाह अंकल बनाएंगे वीडियो ईद के बाद अपलोड होंगे। ईद के बाद ही इंशाल्लाह बनाएंगे। चले अंकल, अल्लाह हाफिज़। फिर चले ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमें। नहीं बस अच्छा लगा, कोई बात मसला नहीं है, आते जाते रहना बस। चलो ठीक है, चलें जी अभी चलते, काफ़ी टाइम हो गया। अभी अभी मैं जो आई हूँ अंकल के घर से, अब आया अभी मैंने उतारा है और मैं बहुत सा थक गई हूँ और बहुत खुशी मुझे इस चीज़ की हो रही है कि देखें अंकल की मेहनत थी, देखें अल्लाह मियाँ किसी की मेहनत जाने नहीं देता, सही है, और अल्लाह मियाँ ने इसी तरह अंकल की जो मेहनत है अंकल को वापस ही लौटा दी। बस थोड़ा सा मोबाइल का इशू है और मोबाइल इंशाल्लाह अंकल ले लेंगे ईद के बाद, और अंकल अपने चैनल पे जो है अपने वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। और सीधी पूछे तो अंकल के चेहरे पे जो स्माइल थी, खुशी थी, एक तो चैनल की वजह से थी और अंकल बहुत खुश थे। अल्लाह उनको इसी तरह खुश रखे और अल्लाह इनको इसी तरह कामयाब करे। तो जी वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।